नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 यूक्लिड ओहायो में हुआ था। वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पिता दीपक पांड्या अमेरिका में एक डॉक्टर हैं। वैसे सुनीता को सुनीता विलियम्स पुकारा जाता है, मगर उनका पूरा नाम सुनीता लिन पांड्या विलियम्स है। मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में बीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस की उपाधि हासिल की। जून 1998 में सुनीता का अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और प्रशिक्षण शुरू हुआ। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गई। वो अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2,770 उड़ानें भर चुकी हैं। उन्होंने सितंबर अक्टूबर 2007 में भारत का दौरा भी किया था। सुनीता सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट, सोसाइटी ऑफ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स और अमेरिकी हेलीकॉप्टर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई है। सुनीता विलियम्स का विवाह माइकल जी विलियम्स से हुआ है। वे नौसेना पोत चालक हेलीकॉप्टर पायलट प्रशिक्षण पायलट पेशेवर नौसैनिक गोताखोर तैराक धर्मार्थ धन जुटाने वाली पशु प्रेमी मैराथन धावक और अब अंतरिक्ष यात्री उसके साथ ही विश्व कीर्तिमान धारक हैं। उन्होंने एक साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठकर ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का इस्तेमाल किया और ये सारी चीजें हासिल की। सुनीता ने सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें नेवी कमेंडेशन मेडल, नेवी एंड मेरिन कॉर्प अचीवमेंट मेडल, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने कई मिशन पूरे किए हैं और उनके नाम पर कई उपलब्धियां भी रही हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली युवतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली हजारों स्टूडेंट्स के मन में अंतरिक्ष में जाने वाली अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना जरूर रहता है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए इस तरह के अंतरिक्ष यात्री एक आदर्श होते हैं। वो उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं। कई बार अंतरिक्ष में जाने वाले ऐसे लोगों से मिलकर अंतरिक्ष के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि हमारे देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये सब लोग रोल मॉडल का काम करते हैं और सुनीता एक रोल मॉडल बनकर सामने आई, क्योंकि महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर वो सामने आई हैं और महिला आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, इसी का ये जीता जागता सबूत है। आशा सरमाल की रिपोर्ट।